Hello friends, today our topic is vector space. It is a concept from linear algebra. तो चलिए समझते हैं वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से कि वेक्टर स्पेस एक्चुअली किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो लेट्स सी, लेट एफ बी अ फील्ड. अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज अ नोन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विद द टू ऑपरेशंस. लाइक एक एफ फील्ड के ऊपर हम एक वेक्टर स्पेस को डिफाइन करेंगे जिसके पास दो स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑलरेडी होंगी. एक होगी एडिशंस और दूसरी होगी स्केलर मल्टीप्लीकेशन. सच दैट फॉर ईच यू वी बिलोंग्स टू वी, कोई दो एलिमेंट अगर आप v से लेते हैं जिसको नाम मैंने दिया है स्मॉल u स्मॉल v से, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट. एक है u प्लस v बिलोंग्स टू v और दूसरा है बच्चों a. अगर आप फील्ड f से लेते हैं और u v से लेते हैं तो a u बिलोंग्स टू v एंड इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो मतलब क्या है, देखिए मेरे पास एक स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है जिसको मैं वैक्टर स्पेस का नाम देने वाला. तो एक बॉक्स आई एम जस्ट टेकिंग दैट इट इज नोन अ वैक्टर स्पेस. अब इस वैक्टर स्पेस, इस बॉक्स को मैं वेक्टर स्पेस कब बोल सकता हूँ, तो इसको डिनोट करते हैं वी एफ से, क्योंकि वी इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स एंड एफ इज अ सेट ऑफ अ स्केलर्स. क्योंकि एफ इज अ फील्ड, तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए आपको एक फील्ड जरूर चाहिए. तो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो वो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक वी एफ बनाया. इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक आपका यू है, वी है, डब्ल्यू है, कोई एक्स हो सकता है, कोई वाई हो सकता है, और एफ. एफ यानी कि क्या है, फील्ड. वो भी वेक्टर स्पेस फील्ड के ऊपर बनता है, तो यहाँ पे स्केलर भी जरूर होंगे, लाइक ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, 1 2 3 4 व्हाटएवर. तो दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स का एक पूरा सेट हमने क्रिएट कर दिया जिसको मैं वेक्टर स्पेस बोलने वाला हूँ. अब कंडीशन बच्चों यहाँ पे ये कहता है कि आपके इसको वेक्टर स्पेस तब बोल सकते हो जब आपके पास एक प्रॉपर्टी है यू प्लस वी बिलोंग्स टू वी. ओके, यानी कि दो एलिमेंट अगर आपने यहाँ से लिए हैं उन दोनों का एडिशन जो है ना वो वी के पास होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी है ए यू बिलोंग्स टू वी. यानी कि एक स्केलर लिया मैंने ए कहाँ से, एफ से, और एक यू लिया मैंने कहाँ से, वी से, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी वी के पास होगी. अब ये दोनों बातें ऑलरेडी इसके पास हैं, इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो ये सेट सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम वेक्टर स्पेस बोल देंगे. इसका मतलब ये दो चीज़ें, एक यू प्लस वी और एक यू ए यू, ये तो ऑलरेडी इस सेट के पास होना चाहिए जब आप इसको वेक्टर स्पेस बनाने की को प्रूव कर रहे हैं. ओके, तो इट मींस आई हैव टू एलिमेंट्स, वन इज यू प्लस वी एंड वन इज ए यू. ये दो चीज़ें तो इस वी एफ के पास ऑलरेडी हैं. अब इस वी एफ को आप वेक्टर स्पेस तब बोल सकते हो जब ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, और दूसरी होती है प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो जो प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन है मेरे पास, वो चार प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन में. प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3 एज वेल एज प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज आएंगी बच्चों एसोसिएटिव, कॉमुटेटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स. ये एडिशन के लॉ में है, यानी कि पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी मेरे पास एसोसिएटिव की, दूसरी प्रॉपर्टी होगी मेरे पास कॉमुटेटिव की, थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरे पास दोस्तों आइडेंटिटी वाले लॉ की, और फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी मेरे पास इनवर्स वाले लॉ की. सिमिलरली चार ही प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि चार प्रॉपर्टीज मुझे स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी प्रूव करनी है. और वो चार प्रॉपर्टीज मेरे पास कौन कौन सी होंगी, इनको बाय नेम नहीं, इनको बाय रूल्स हमें याद रखना होता है. लाइक आपके पास आप कुछ वेक्टर्स लेंगे, इसको हम आगे डिफाइन करूंगा मैं कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज होने वाली. तो पहले आप ये समझिए कि कोई भी सेट जिसको नाम देते हैं V, उसको आप V को वेक्टर स्पेस तब बोल सकते हो, पहली बात तो वो एक फील्ड के ऊपर जनरेट होना चाहिए, दूसरी बात उसके पास दो पेट एलिमेंट होने चाहिए, एक है यू प्लस वी और एक है ए इंटू यू. फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करेगा तो आप इसको वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं. और वो प्रॉपर्टीज होती हैं दो टाइप की, एक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन. चार एडिशन के रिस्पेक्ट में होती हैं, चार ही स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में होती हैं. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हमें इस वेक्टर को वेक्टर स्पेस बनाने के लिए. देखिए तो दोस्तों वेक्टर स्पेस को हम डिनोट किससे करते हैं, वेक्टर स्पेस इज डिनोटेड बाय Vf, यानी कि एक वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F इज नोन अ वेक्टर स्पेस. तो इसको बनाने के लिए हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज की जरूरत है. पहली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया अभी कि पहली प्रॉपर्टीज होती है आपके पास प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन. तो द प्रॉपर्टी
under addition. तो प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी अंडर एडिशन में हमारे पास चार टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें से फर्स्ट वन इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है कि आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं बच्चों, यू वी डब्ल्यू, और कहां से लेने हैं? डेफिनेटली उस वेक्टर स्पेस, उस सेट से लेने हैं जिसको नाम है वी. ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग थ्री एलिमेंट्स यू वी डब्ल्यू फ्रॉम वी. अगर ये इस चीज को सेटिस्फाई करें लाइक यू प्लस वी एंड प्लस डब्ल्यू, और हेयर यू कैन यूज अ ब्रैकेट एंड मस्ट बी इक्वल टू यू प्लस वी एंड डब्ल्यू एंड हेयर यू कैन यूज अ ब्रैकेट. ओके, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. ब्रैकेट एक बार इधर लगाएं, एक बार इधर लगाएं, दैट सेम. सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों मेरे पास, दैट इज कॉमोटेटिव. कॉमोटेटिव के नाम से बिल्कुल हमें क्लियर हो रहा है कि आपके पास दो एलिमेंट होने चाहिए, यू और वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी. तो अगर आपका यू प्लस वी इज इक्वल टू हो जाता है वी प्लस यू के, तो हम बोलते हैं कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी हैज बीन सेटिस्फाइड. ओके, कम्यूट कर रहा है यहाँ पे. और थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और यू कैन से दैट सिंपल आइडेंटिटी लॉ, और यू कैन से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में भी आपको क्या करना है, आपको एक एलिमेंट लेना है जो मैंने लिया है यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी. अगर आप ये कहते हैं कि यू में कुछ प्लस कर सकते हैं लाइक एनीथिंग यू कैन ऐड, आई एम जस्ट एडिंग जीरो कि वापस मेरे पास यू ही आ जाए, या फिर आप जीरो प्लस यू करें तो वापस आपके पास क्या आ रहा है, यू ही आ रहा है. यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो बिल्क एडिशन करने से इफेक्ट नहीं डालता उस एलिमेंट पे, यानी कि यू पे आप ऐड कर रहे हो वापस यू आ रहा है, का मतलब ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है. इसका मतलब ये हुआ कि जीरो इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, बट नॉट इन ईच एंड एवरी केस. हर केस में आपका जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, बट आपको सिर्फ ये समझना है कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास यू मिल जाए, तो उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देते. और दोस्तों आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है. एंड आफ्टर दैट वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में भी मैं कोई एलिमेंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी, तो अब आप यू में क्या ऐड कर सकते हैं कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिले. लाइक यू में आप क्या ऐड करें कि वापस आपको मिलेगा जीरो, जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ यू. ओके, या फिर आप माइनस यू में क्या ऐड करेंगे कि आपको मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि जीरो, तो इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं. अब इसी बात, ऐसे टू एलिमेंट लिया आपने, टू का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस टू. ओके, तो दिस इज एडिटिव इनवर्स. तो दीज आर फोर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. दीज आर फोर प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन. तो पहली मेरे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, दीज आर फोर प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. Now properties under scalar multiplication. So the properties under scalar multiplication is what? अब यहाँ पे scalar multiplication word use हो रहा है, तो definitely आपको कुछ scalar egg लेने पड़ेंगे. तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि कुछ u v दो वेक्टर ले लेता हूं मैं, और ये वेक्टर कहां से होते हैं, वेक्टर से, वेक्टर के सेट से, जिसको v कैपिटल v से. और जो स्केलर लेने लाइक ए बी मैंने स्केलर ले ली, और ये स्केलर कहां से होते हैं, फील्ड से होते हैं, और इन वेक्टर और फील्ड को मिला के ही तो वेक्टर स्पेस बनता है. तो मैंने दो वेक्टर ले लिए और दो ही मैंने स्केलर ले लिए. अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी देखते हैं. देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपको, आपने अगर वेक्टर के ऊपर कुछ स्केलर को अप्लाई किया है, लाइक आपने यहाँ पे लिखा स्केलर a इंटू यू प्लस वी, तो इट विल बिकम्स ए यू प्लस ऑफ ए वी.
okay, for all A belongs to F. For all, यानी कि कोई भी आप सारे आप स्केलर ले सकते हैं. For all A belongs to F और U, V belongs to capital V. For all, हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए. एंड सेकेंड है मेरे पास, इफ आई एम टेकिंग सम स्केलर और मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ओवर अ वेक्टर U, तो दैट विल बिकम्स ए यू एंड प्लस बी यू, राइट. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी, एम राइट हियर. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ यू आर टेकिंग ए इंटू बी इंटू यू, ए बी इंटू यू, सो यू कैन राइट आउट ए एंड बी इंटू यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड हियर अगेन यू विल से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ and U belongs to capital B. And the fourth property is known as multiplicative identity. Okay, like you have 1 into U, that must be equal to U. Okay, अब 1 क्या है? 1 एक multiplicative identity है, इसकी field F की. Okay, field F की multiplicative identity is known as 1. So for all U belongs to B and one belongs to F, you can. तो ये चार प्रॉपर्टीज आपके पास हैं. पहली कोई स्केलर डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर वेक्टर्स के, दूसरी वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर स्केलर, एंड तीसरी ये मल्टीप्लीकेटिव एसोसिएटिव लॉ, और लास्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. ओके, नाउ सी, तो चार प्रॉपर्टी है मेरे पे विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और चार ही प्रॉपर्टीज मेरे पास थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो ये आठ प्रॉपर्टी मिलके एक वेक्टर स्पेस बनाती हैं. बट इन आठ के सिवा भी कुछ स्पेसिफिक बात थी हमारे पास. वो क्या थी? दो ऐसे वेक्टर, एक u प्लस v और एक ए यू, ये ऑलरेडी उस सेट के पास एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. और ये एक्चुअली हैं क्या? ये क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एंड क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो कोई भी वेक्टर स्पेस हमेशा क्या होना चाहिए? वो क्लोजर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि दो वेक्टर आप लें उन दोनों का एडिशन वेक्टर इसके अंदर होना चाहिए, और दूसरा आपका कोई स्केलर लें और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट भी आपका वेक्टर स्पेस के अंदर होना चाहिए. अब बात आती है कि क्या सर हमें इनको प्रूफ करना पड़ता है? मोस्टली केस में आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको गिवन होगा. अगर नहीं गिवन है तो इन दैट केस आपके पास टोटल 10 प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, क्योंकि उन केस में आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज भी प्रूफ करनी पड़ती हैं. ओके, उन केस के अंदर ये आपका यहां फिफ्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी और ये आपकी यहां फिफ्थ प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी कि टोटल 10 प्रॉपर्टीज बन जाएंगी. और अगर ये गिवन है तो आपके पास टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं. लॉजिक क्लियर? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ वेक्टर स्पेस. सो वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड ओवर अ फील्ड एफ, और इसको नाम लिखते हैं हम वी एफ से. और इसके पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन एंड प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. चार प्रॉपर्टीज एडिशन की होती हैं, चार ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होती है, दो पेट प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो इसके पास इसका जन्म सिद्ध अधिकार मान सकते हो, कि जो इसके पास होंगी ही होंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होंगी तो आप किसी सेट को वेक्टर स्पेस बनाने की सोच ही नहीं सकते. ये आगे वाली प्रॉपर्टीज का मतलब ही खत्म हो जाता है. तो दिस इज नोन एज वेक्टर स्पेस. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. आई होप सो दैट यू एन्जॉय माई एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विच आई एम गिविंग टू यू. सो थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉच, कीप सपोर्ट. थैंक यू सो मच.